काउंसिल के विषय में, साथ ही बात करेंगे राज्य में जो डेंटल कॉलेज है उनकी स्थिति को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सामना न्यूज में। धन्यवाद संजय। अभी आप डीसीआई के मेंबर बनाए गए हैं, तो पहले तो उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का, खासतौर से जिन्होंने उसको इस काबिल समझा कि इस अहदे पे मुझे बनाया। ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का उत्तराखंड में क्या रोल है? देखिए, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये पूरे इंडिया के जितने भी डेंटिस्ट हैं उनकी कंट्रोलिंग पावर है। तो हेडक्वार्टर तो हमारा दिल्ली में है और लोकल स्टेट्स में हम लोगों की स्टेट डेंटल काउंसिल होती है। तो जितने भी हमारे डेंटल सर्जन निकलते हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरीके से उनका आईडी हमारे पास रहती है। तो रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो रजिस्ट्रेशन का तो ट्रिब्यूनल अलग होता होगा। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का काम डेंटल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का है। अच्छा, दुर्भाग्य से वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो अभी रजिस्ट्रेशन कौन करता है? अभी हमारे यहाँ एक 2003 में डेंटल रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, उसमें एक सेक्रेटरी कम रजिस्ट्रार बनाया गया और 3 मेंबर लोकल बनाए गए हैं। बट दुर्भाग्य का विषय ये कि 12-13 साल हो गए हैं, अभी तक इन लोगों ने काउंसिल बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करी। अब तक ये काउंसिल बन जानी चाहिए थी। तो डेंटल काउंसिल आप उत्तराखंड अगर नहीं बना है तो जो डॉक्टर बन के निकल रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, ये सब कौन कर रहा है? ये जो हमारा रजिस्ट्रार होता है इसको ये पावर दी हुई है सरकार ने। इनके पास एक डेंटल रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर है, उसके अंदर एक हम लोग फॉर्म देते हैं प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर्स को, वो उसको फिलअप करते हैं और उसके बाद हम उनका रजिस्ट्रेशन करके उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास रहती है। अगर सरकार को कभी किसी डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए तो रजिस्ट्रार से डेंटल रजिस्ट्रेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो ये जो डेंटल रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है ये केवल रजिस्ट्रेशन करता है कि या डॉक्टरों की मॉनिटरिंग भी कर सकता है और जो कॉलेज है उनकी भी मॉनिटरिंग कर सकता है? इनके क्या रोल है, ट्रिब्यूनल का क्या रोल है? ये ट्रिब्यूनल का रोल फिलहाल तो सिर्फ डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन करना है और उनको स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए परमिट करना है। ट्रिब्यूनल के पास कॉलेजेस के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो ये जो डेंटल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड बनना है उसके लिए आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? सर, ये जो 2003 में बना था, ये इसमें 3 मेंबर्स बने थे, इन लोगों को ये कार्य करना था। तो 2008 में जब मेरे संज्ञान में ये आया तो मैंने इसको मूव किया था और 2008 में एक सरकार से कागज भी मूव हुआ था निर्देशालय के लिए, बट दुर्भाग्यपूर्ण वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। और अभी पुरुष जब मैंने पिछले साल इस कार्य को शुरू किया तो इसमें मैंने कहा था कि इसको भंग करके नए जो कर्मठ मेंबर्स हैं उनको बनाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सरकार ने यह कहा कि इलेक्शन करिए, तो ट्रिब्यूनल में इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन ही होता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो इसमें नया मेंबर्स बनाए जो एक्टिव हो, जो गवर्नमेंट में हो और एक दो प्राइवेट भी रखे उसमें, जिससे कि काउंसिल बन सके। काउंसिल बनने के बाद ही हमारा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जारी रहेगा, अदरवाइज ही खत्म हो जाएगा। काउंसिल को कौन, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? इसके मेंबर कैसे बनाए जाते हैं? और अगर काउंसिल यहाँ नहीं बन रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दोनों की, सरकार की भी है और जो जितना भी रजिस्ट्रार जो हमारे मेंबर्स हैं डेंटल रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के, उनकी भी है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि चुनाव कराने की बात की जाती है, शासन से आपके पास चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या काउंसिल के लिए चुनाव कराया जाता है? ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है, प्रावधान है ऐसा कहीं? काउंसिल तो सरकार बनाएगी, उसके बाद जितने हमारे उत्तराखंड के डेंटल स्पेशलिस्ट हैं वो इलेक्शन करके एक चेयरमैन चुनेंगे, या तो इलेक्शन करेंगे या सर्वसम्मति से उसको बना देंगे, जो सीनियर मोस्ट होता है। अमूमन हमारे यहाँ एक कायदा है कि सीनियर डॉक्टर को इज्जत देते हैं, तो चेयरमैन होता है। चेयरमैन होगा और कितने और 3 मेंबर्स बनेंगे, उसके लिए चेयरमैन एक इलेक्शन करेगा, एक मीटिंग करेगा, बाकायदा इलेक्शन अफसर बनाया जाएगा, उसमें नॉमिनेशन होगा, कौन इलेक्शन कंडक्ट करेगा, वोटिंग होगी, वोट की काउंटिंग होगी, उसका रिजल्ट आउट होगा। तो जो मेंबर्स होते हैं उनका भी कोई क्राइटेरिया निर्धारित है कि डेंटल डॉक्टर ही होना चाहिए? दे शुड बी डेंटल डॉक्टर्स ओनली, क्योंकि डेंटल फर्टिलिटी में जो काम हम करेंगे वो तो दूसरी स्पेशलिटी का नहीं कर पाएगा। अच्छा, काउंसिल नहीं बनी है? काउंसिल अभी तक नहीं बनी। ठीक है, ट्रिब्यूनल से काम चल रहा है, तो काउंसिल न बनने से कौन कौन सी दिक्कतें आप लोगों को या आम पेशेंट को भी उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आम पेशेंट को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन चूंकि कॉलेजेस के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है ट्रिब्यूनल की, तो अगर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया तक नहीं पहुंच पाती है, वहां के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं पहुंच पाती, तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जैसे कई जगह कॉलेजेस में विजिटिंग प्रोफेसर्स, विजिटिंग लीडर, विजिटिंग लेक्चरर्स हैं जो गलत है, दे शुड बी फुल टाइम फैकल्टीज इन दी डेंटल कॉलेजेस। और जो कॉलेज के अंदर मेटीरियल मेडिका है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है? वो कायदे में तो काउंसिल मॉनिटर करती है, ट्रिब्यूनल को राइट ही नहीं है उसको। तो हमारे चूंकि काउंसिल नहीं है
तो ये काम भी नहीं हो पा रहा। मतलब उत्तराखंड में जो हमें जानकारी है कि दो डेंटल कॉलेज हैं, तो ये डेंटल कॉलेज मतलब आप ये मान के चले कि अपने मन से चल रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी का उस पर हस्तक्षेप नहीं है? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग है, वहाँ पे बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होते रहते हैं, अगर हम लोग कोई शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर इंक्वायरी भी होती है। लेकिन चूंकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान को देखती है, तो जो डेंटल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड देखेगी उस हिसाब से नहीं देख पाती इसको। तो इसको हेल्थ मिनिस्टर को जिम्मेदार माना जाए या मुख्यमंत्री को, किसको जिम्मेदार माना जाए जो काउंसिल नहीं बन पा रही है, या कि आप डॉक्टरों की यूनियन को माना जाए जो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं? देखिए, जब 2001 में उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड का महानिर्देशालय अलग बना था। 2001 में यूपी से हमारे पास 6 सीनियर डेंटल सर्जन और 1 जॉइंट डायरेक्टर की सीट मिली थी हमको, जिसका 2009 तक हमारे निर्देशालय ने संज्ञान ही नहीं लिया। कायदे में 2001 में ही रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए था और विद इन 3-4 ईयर्स काउंसिल बन जानी चाहिए थी। हमारा रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ही 2003 में बना है। 3 साल ऐसे ही चलता रहा पूरा डिपार्टमेंट, कोई देखने वाला नहीं था हमारा। तो उसका नुकसान या जो उससे बच्चों का भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता? जब कोई पड़ रहा है, क्वैकरी बहुत बढ़ गई है पहाड़ में, क्वैक्स जो डेंटल सर्जन से बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इतना नुकसान कर रहे हैं कि कभी आप अगर हमारे अस्पताल में आप देखें तो आप ताज्जुब करेंगे कि कितना नुकसान हो रहा है। नहीं, आप ये देखिए, जैसे हम लोगों को जानकारी है दून हॉस्पिटल में तो डेंटल डॉक्टर है, लेकिन वही कोरोनेशन है उसमें डॉक्टर नहीं है, तो इसका क्या रीजन माना जाए? इसका रीजन ये है कि पॉलिसीज कमीशन जो है वो ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा है। यहाँ से जो अध्यक्ष जाता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से कमीशन के लिए कि हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, उसमें सालों लग जाते हैं, फिर कमीशन वाले 1.5 साल ले लेते हैं, फिर इंटरव्यू में टाइम लगता है, फिर रिजल्ट आउट होता है, उसके बाद फिर पोस्टिंग होती है निर्देशालय से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड पोस्टिंग करती है, उसमें बहुत समय लगता है, तो 3-4 साल लग जाते हैं इसमें। अभी भी कम से कम 25 सीट खाली है, डेंटल डॉक्टर की 25 सीट खाली है, अभी भी खाली है। और कितने बच्चे इस समय पढ़ के निकले हैं वो सब बेकार? हर साल हमारे उत्तराखंड से 200 बच्चे निकल रहे हैं, 200 बच्चे हर साल निकल रहे हैं, टोटल सीट अप्रोक्सीमेट 125 है हमारे पूरे उत्तराखंड में डेंटल डॉक्टर। डेंटल डॉक्टर्स ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर कौन मॉनिटर करेगा? देखिए, जब मैं उत्तराखंड में यूपी से आया था हम 35 डेंटल सर्जन थे पूरे उत्तराखंड में। फिर 2007 में जब सरकार ने मुझे नोडल अधिकारी बनाया तो हमने सीट बढ़ा के ये 60 करी, और अब जब से थोड़ी नियमावली बनी है हमारी 125 अपॉइंटमेंट्स होने हैं, जिसमें से करीब 80 काम कर रहे हैं, 80-90 काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा अंदाज है। अभी मैं एक सड़क की बात करता हूँ, हरिद्वार रोड पे ही हम लोग निकलते हैं, देखते हैं हर 10 कदम पे एक डेंटल डॉक्टर बैठा है। आपके यहाँ आपके स्टेट में 2 कॉलेज हैं, आप बता रहे हैं कि 200 बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, तो ये जो इतनी तादाद में निकल रहे हैं और वैकेंसी को आप फुल नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसको किसको जिम्मेदार माना जाए? इसमें जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है। हमने सरकार से स्पष्ट कहा है कि भविष्य में किसी भी डेंटल कॉलेज की परमिशन न दी जाए। इस समय हिंदुस्तान में करीब 300 डेंटल कॉलेजेस हैं, और हम लोगों ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी बार लगा दिया है गवर्नमेंट से कि नया डेंटल कॉलेज नहीं खुलने देंगे। पहले नया डेंटल कॉलेज खुलता था, आसानी से खुल जाता, अब DCI ने एक बार और लगा दिया है कि बिना मेडिकल कॉलेज के डेंटल कॉलेज नहीं खुलेगा। पहले हम लोग देखते थे कि दांत की प्रॉब्लम होती थी तो आदमी दवा से सही कर लेता था, अब 50 लाख रुपए लगा के आदमी डॉक्टर बन रहा है, तो कहीं इसी की देन तो नहीं कि दांत में प्रॉब्लम के लिए रूट कैनाल कराइए, ट्रीटमेंट कराइए, ये सब इसको ना माना जाए? इतना पैसा लगा के बच्चा पढ़ के निकल रहा है और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहा है, प्राइवेट अपना काम करता है, तो कहीं ये उसको व्यवसायिक रूप से ना देखा जाए कि पूरा व्यवसायीकरण हो चुका है डेंटल डॉक्टर के एक प्रोफेशन का? काफी हद तक व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका कारण सिर्फ एक है कि इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, उतनी मात्रा में पेशेंट उनको नहीं मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी उनके पास है नहीं, और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के बाद किसी और जॉब में जाने लायक रहता नहीं वो, तो ये इनके प्रक्रिया उसको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में इतना कॉस्टली है डेंटल क्लिनिक का एस्टैब्लिशमेंट, ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्टेड हैं, इंडिया में नहीं बनते हैं, और उनकी कॉस्ट डॉलर और येन से कोरिलेट होती है। दुर्भाग्य यह है कि जब डॉलर महंगा होता है तो ये हर चीज महंगी कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो सस्ती नहीं करते हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि सबसे सस्ता इलाज दांत का है, और आज हम देखते हैं आप भी एज ए ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर किए हैं, उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस चल रही है, आपको लगता नहीं आज सबसे महंगा इलाज दांत का हो गया चुका? बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं, डेंटिस्ट्री इज ए वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। अगर आपको मालूम हो कि हम लोग यूजुअली सोने और चांदी में खेलते थे पहले भी, कारण के जमाने से सोना दांत में भरा जा रहा है, तो आजकल अगर आप सोना दांत में भर दें तो आप सोचें क्या कॉस्ट जाएगी, तो इसके लिए रिसर्चेज हुई और सस्ते प्रोडक्ट्स आ गए।
लेकिन चूंकि ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं और कंजम्पशन कम है इनका इंडिया में, क्योंकि अवेयरनेस 4-5% है सिर्फ, तो हम लोग जो डेंटिस्ट्री कर रहे हैं वो 5% पेशेंट्स में जिंदा है। हम लोग देखते हैं जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनका प्रचार प्रसार भी ठीक ठाक आता है, लोगों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचती है, लेकिन डेंटल के विषय में ज्यादा लोगों को अवेयर नहीं किया जाता। इसको किसका कारण माना जाए कि क्यों अवेयर नहीं किया जाता? इलिटरेसी नंबर एक। नंबर दो, जितने भी डेंटल प्रोसीजर्स हैं उसमें रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है, जो बाकी आपके शरीर के प्रोसीजर्स हैं उसमें पेशेंट बेहोश रहता है, उसे पता ही नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इट इज बिल्कुल ऐसा समझिए संजय जी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। हमने आपका ट्रीटमेंट किया और आपने तुरंत उसके शीशे में देखा कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। सर्जिकल प्रोसीजर वही है, लेकिन एक पुराने जमाने से चला आ रहा है कि दांत उखाड़ना बहुत सस्ता है। अगर आप मुझसे पूछें एट पर द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक एक्सट्रैक्शन से पहले एक एक्सरे जो 500 रुपए का होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, डायबिटीज, ECG अगर 40 साल से ऊपर है, ये टेस्ट करीब 2000 के होते हैं, इसके बाद हम दांत उखाड़ेंगे उनका। अब बताइए, दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप जैसे कैंसर का चेकअप होता है, जैसे ट्यूमर का चेकअप होता है, सारी जांच कराते हैं, अब दांत की जांच की प्रॉब्लम में अगर इतना ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया, इतना व्यवसायीकरण हो गया, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जिससे देखिए, अगर हम आपकी हिस्ट्री नहीं लेंगे, कंसेप्शन पहले था कि दांत उखाड़ने में कुछ नहीं होता, मान लीजिए आप हाइपरटेंशिव है, आप हार्ट ऑपरेट हो चुके हैं, आप एस्प्रिन के ऊपर हैं जो खून को पतला करती है, और हमने आपकी हिस्ट्री नहीं ली और ब्लड टेस्ट नहीं कराया और दांत निकाल दिया, खून रात में बह गया और आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मतलब ये माना जाए कि जो एक र्यूमर है मार्केट में कि डेंटल डॉक्टर आजकल अलग कमा रहे हैं, अलग ढंग से कमा रहे हैं, ये गलत माना जाए? ये बिल्कुल गलत है। डेंटल डॉक्टर्स की जो कमाई है वो टोटल जो आप स्पेंड करते हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारी मटेरियल कॉस्ट बहुत है। अगर मैं आपके मुंह में सोना भरता हूँ, मान लीजिए मैंने 24 कैरेट का एक तोला सोना भरा, तो 27,000 का तो सोना ही हो गया, मैंने 30,000 आपसे लिए, तो मार्केट में ये न्यूज जाती है कि 30,000 रुपये एक दांत भरने में ले लिए, जबकि मुझे 3,000 मिले, उस 3,000 में मुझे असिस्टेंट की सैलरी भी देनी है, कॉमर्शियल बिजली भी देनी है, कॉमर्शियल पानी भी पे करना है, नगर निगम का किराया भी देना है, मरीज आए या ना ये मुझे पेमेंट करना है। तो पढ़ाई पे 50,00,000 खर्च हो जा रहे हैं, 50,00,000 रुपए फिर लगा के तो आदमी प्रैक्टिस भी शुरू करता होगा, 1 करोड़ के बाद कोई रोजगार आप शुरू करते हैं, इसी तरह तो लूट घसोट करेगा। इसलिए क्या हो रहा है कि चूंकि अवेयरनेस कम है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो बाहर से पेशेंट आता है 30 रुपए में दांत उखड़वाने, हम जब उससे 300 मांगते हैं तो नाराज हो जाता है, कहता है आप क्या कर रहे हैं। अब उसको ये बताना बड़ा मुश्किल है कि भाई तुम्हें डायबिटीज है और अगर मैं प्रिकॉशन नहीं लूंगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये अवेयरनेस जब उसमें आ जाती है तो वो बुरा नहीं मानता, ना शिकायत करता है। नहीं तो पहले अवेयर करने का कोई प्रोग्राम चलाते हैं? जो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम IDA का हमारे चल रहा है, जिसका मैं को चेयरमैन हूँ, हम लोग इसी में लगे हुए हैं। हम लोग फ्री में टूथपेस्ट, टूथब्रशेस, मेडिसिन, माउथ वॉश बांटते हैं, फ्री डेंटल चेकअप कैंप्स लगाते हैं। अभी रिसेंटली नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम का एक कैंपेन चल रहा है, जितने भी स्कूल और गांव है उसमें हम लोग फ्री कैंप लगा रहे हैं, उसमें लोगों को बताएंगे कि आपको क्या बीमारी है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और क्या इसका इलाज हो सकता है। उनको हम फ्री मेडिसिन, ओरल हाइजीन के लिए फ्री टूथपेस्ट, फ्री माउथ वॉशेस हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉलगेट इंडिया की सहायता से। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद डॉक्टर शर्मा जी से चर्चा जारी रहेगी, जो यहाँ पे डेंटल कॉलेज है उस पे, और साथ में जो डेंटल डॉक्टर्स जिस तरह से यहाँ पे फैले हुए हैं उन पे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो वहाँ शौचालय, इससे पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। केंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन RO UV और TDS कंट्रोलर से। केंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। असली विनर वो होता है जो गेम चेंजर हो। गेम चेंजर बनने के लिए आपको चाहिए लगन और आस्था का अटूट मिशन।
आस्था देती है आपको स्थिरता, शौर्य और तेज। तेज से जन्म होता है रंगों से भरे उत्सव का, और इस अनुभव के बाद आपको मिलती है आजादी, आजादी उड़ने की, आजादी कुछ कर गुजरने की। उत्तराखंड सिंपली हेवन। मिशन इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाना है, झारखंड के 6 जिलों में 100% टीकाकरण को संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है। चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कुकुर खांसी, टेटनस, निमोनिया और मेनिनजाइटिस को जड़ से मिटाना है। हम सभी से अपील करेंगे माताएं बहनें से कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करा लें, ताकि हमारे बच्चे आने वाला जनरेशन पुष्ट रहे, शरीर से बलवान रहे। आपके बच्चे कभी न हो बीमारियों के शिकार, क्योंकि इंद्रधनुष अभियान पहुंचेगा आपके द्वार। समझदारी दिखाएं, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कॉलेज देख रहे हैं? नहीं, आप IIBM के झांसे में तो नहीं आ रहे? IIBM और उसके मालिक अरिंदम चौधरी पर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की IPC की धारा 420 के तहत FIR। UGC ने दर्ज कराई FIR। UGC का कहना, IIBM ने किया बच्चों को गुमराह और डिग्री के नाम पर छात्रों को दिया धोखा। कोई यूनिवर्सिटी से नहीं एफिलिएशन, सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट, कोई मान्य डिग्री नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। शान और शौकत से रहने वाले अरिंदम चौधरी पर जल्द होगी पुलिस की कार्रवाई। डिग्री चाहिए तो ना जाएं IIBM। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सातवीं सभी के चैनलों पर। IIBM पर FIR। सियासत से लेके समाज तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम यूपी दिस वीक। एक चीज निकल के आती है, जो यहाँ दो कॉलेज है, हमेशा ये आरोप लगता रहा है उस कॉलेज में न तो कायदे से फैकल्टी है, न कायदे से स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद भी डॉक्टरों की मारा मारी, डोनेशन भी चलता है, बच्चे लाइन लगा के डॉक्टरी करने को तैयार हैं, तो इन कॉलेजों का क्या स्टेटस है? देखिए स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में मोस्टली अगर 100 सीटें हैं तो 25 सीटें तो सरकार की है उसमें, जिसमें कंपटीशन से आता है, वो बच्चे तो थोड़ा अच्छा करते हैं। जो बच्चे डोनेशन देके आते हैं वो थोड़े से पढ़ाई में कमजोर माने जाते हैं, लेकिन उनको एक रास्ता मिल गया डॉक्टर बनने का, अच्छी बात है, मौका सबको मिलना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन के जमाने में अगर हायर कास्ट का ज्यादा नंबर भी लाता है और कंपटीशन में नहीं आता तो उसका एडमिशन नहीं होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो सक्षम है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, पर्सनल राय है मेरी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्योंकि खर्चा बहुत होता है तो कैसे निकालेंगे, बच्चों की फीस से निकालते हैं वो लोग। अब फैकल्टी का ये है कि परमानेंट फैकल्टी इज वेरी कॉस्टली, तो लोगों ने विजिटिंग फैकल्टीज रखी हुई हैं जो किसी जमाने में अलाउड थी, अब अलाउड नहीं है। अब आपको फुल टाइम फैकल्टी रखना पड़ेगा, अगर कोई कॉलेज ऐसा नहीं करता है तो गलत काम करता है। ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि विजिटिंग फैकल्टी के साथ साथ विजिटिंग PG डॉक्टर्स भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको PG मिल जाएगा। इस पर DCI बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है। डेंटल कॉलेज में एक आरोप लगते रहते हैं कि फैकल्टी पूरी नहीं होती और जो पेशेंट होते हैं इंस्पेक्शन में पैसे लेके लाए जाते हैं, क्या है फंडा? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। फैकल्टी की शॉर्टेज पहले हुआ करती थी क्योंकि हमारे यहाँ पीजी बहुत कम थे, और इनफैक्ट शुरू में तो जो पीजी डॉक्टर्स होते थे वही ब्लैकमेल करते थे, अनाप शनाप पैसे मांगते थे। अब जब से गवर्नमेंट लिबरल हुई है, हम लोगों ने पीजी काफी कॉलेजेस को दे दी है, तो फैकल्टी अवेलेबल है और आराम से फैकल्टी मिल जाती है, और करीब करीब कॉलेज में फैकल्टी पूरी है इस समय। उत्तराखंड में दो कॉलेज हैं, हमेशा आरोप लगता है कि ये कॉलेज गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं, गेस्ट लेक्चर कराते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, तो उनको महीने की जगह
एक दिन का पेमेंट, दो दिन का पेमेंट किया जाता है, और जो फैकल्टी यहाँ काम कर रही है उसके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि उनको समय से सैलरी नहीं दी जा सकती। तो ये जो चीजें यहाँ तक नहीं पहुँचती, चीजें पहुँच रही हैं, और ये जो विजिटिंग फैकल्टी है इसका कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है इस पर, फैकल्टीज हर जगह पूरी है। अब एक्चुअली जो फैकल्टी और मैनेजमेंट में जो सैलरी का लेन देन है उसमें डीसीआई का रोल नहीं है कुछ भी, इट इज बीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। सारे एम्प्लॉय मिलकर शिकायत करें तो गवर्नमेंट तक मामला हम लोग पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। आप डीसीआई के मेंबर हैं, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दो कॉलेज है, हमेशा आप देखिए विवादों में रहता है, इसके मॉनिटरिंग का कोई आपने रास्ता नहीं निकाल रखा है कि आप लोग उसको मॉनिटर करें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, फैकल्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, जब तक एम्प्लॉय या स्टूडेंट्स हमसे शिकायत नहीं करेंगे हमें कोई राइट नहीं है, क्योंकि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हर चीज हमें बिल्कुल ठीक लगती है। कैसे आपने शिकायत करेगा आप बताएं, जो फैकल्टी काम करेगी शिकायत करेगी दूसरे दिन कॉलेज वाले हटा देंगे, क्या कर लेगा वो? हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है कॉलेज के ऊपर, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे कि इसने मुझे सैलरी नहीं दी, जैसे पुलिस में अगर मैं एफआईआर नहीं करूंगा भले ही आपने मेरी चोरी करी हो तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अगर यहाँ पे काउंसिल बन जाएगा तब आप कर सकते हैं? अब हम कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत हम पर तब आएगी, बच्चों को पता है कि काउंसिल में शिकायत करेंगे तो एक्शन होगा। मतलब ये माना जाए काउंसिल न बनने से यहाँ पे स्टूडेंट और जो वहाँ की फैकल्टी है उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? फेस करनी पड़ रही है, जो क्रैकरी हो रही है उत्तराखंड में उसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने मूव किया, थ्रू आरटीआई भी मूव किया, सीएमओ ने एक्शन, लेकिन फिर चूंकि डॉक्टर्स भी शॉर्ट है, सीएमओ भी शॉर्ट है, गवर्नमेंट के पास मशीनरी भी शॉर्ट है, तो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये सारी चीजें अगर शॉर्ट है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, मुसीबत का सामना है, नुकसान तो आखिर हमारे आपके बच्चे कर रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। देखिए, जिम्मेदारी तो भाई आप काउंसिल में चले गए हैं, काउंसिल में पहले भी लोग रहे हैं, कभी सुनने में नहीं आता था, आज पता तो चला कम से कम काउंसिल का कोई मेंबर उत्तराखंड से है जो उत्तराखंड के लोगों की सुन सकता है, मदद कर सकता है। अब आपके पास हो सकता है समाचार या ये अपना इंटरव्यू चलने के बाद लोग आपके पास आए, अपनी प्रॉब्लम बताएं, लेकिन ये पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ? 15 साल हो गए, हमने कार्रवाई करी है। अगर आप ध्यान रखें कि नेता की चौकी पे डेंटल कॉलेज खुला था और उस कॉलेज में बहुत सी अनियमितताएं थी, और मैं तब भी डीसीआई मेंबर था, मेरे घर में एक इतवार को 50 बच्चे आए थे और रो रहे थे। वो ये शिकायत कर रहे थे ना तो पढ़ाते हैं ना वहाँ फैकल्टी है, पैसे हमसे पूरे ले रहे हैं, और इसके अलावा वो डेंटल कॉलेज रिकग्नाइज भी नहीं था, सेकेंड ईयर से रिकग्नाइज नहीं था, फर्स्ट ईयर में था सिर्फ, क्योंकि हर साल इंस्पेक्शन हो रहा है फोर्थ ईयर तक। फिर हमें ये शिकायत आई कि अनरिकग्नाइज डेंटल कॉलेज में 100 MBBS के बच्चे उन्होंने एडमिट कर लिए, ये भी खबर मिली कि बहुत बड़ा अमाउंट लेके करी, उसकी शिकायत हुई। मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए, मुख्यमंत्री ने हमें आदेश दिया कि इंक्वायरी करिए, हम लोगों ने इंक्वायरी करी, उस कॉलेज को बंद किया, और जो सरकारी बच्चे उस कॉलेज में थे जो हम लोगों ने सरकार ने किए थे उनको हमने डिफरेंट डेंटल कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट की, जिससे उनका कैरियर खराब ना हो। लेकिन सुनने में तो आ रहा है वो कॉलेज फिर खुलने जा रहा है। वो कॉलेज अब इन्होंने बेच दिया है किसी दूसरे मैनेजमेंट को, उसमें भी अभी हमने डेंटल कॉलेज की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि नया नॉर्म हमने बना दिया है कि बगैर मेडिकल कॉलेज के डेंटल कॉलेज नहीं देंगे हम। भाई उस कॉलेज में MBBS के नाम पे भी खूब लूट खसोट मची, बच्चों से पैसा लिया गया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया गया, एग्जाम कराया गया, एग्जाम कराने के बाद आज भी बच्चे, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, आज भी बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आपको कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं कि वो मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, यहाँ पे उसका कोई कॉलेज नहीं चल रहा है, उनका सिर्फ हॉस्पिटल चल रहा है। आपने कहा कि वह कॉलेज बेच दिया गया, मैं ये बात कर रहा हूँ उसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो कॉलेज अभी खरीदा गया, उसके पहले वही उसी बिल्डिंग में एक मेडिकल MBBS के नाम पे कॉलेज चलाया गया, बच्चों का एडमिशन तक किया गया, एक साल कोर्स तक चलाया गया। अगर उसी बिल्डिंग पे कोई घपले घोटाले हुए हैं, अब पता चला मैंने इस बिल्डिंग पे कर लिया, कल ही बिल्डिंग में आपको बेच दूं, फिर आप इसी बिल्डिंग में दूसरा काम करना शुरू कर दें, तो कम से कम ये मॉनिटरिंग और इस पे तो लेना चाहिए ना। ये मॉनिटरिंग डेंटल काउंसिल ने भी करी, मैं खुद गया था उसमें, और गवर्नमेंट ने भी करी। वो जो मैनेजमेंट का चीफ था उसको जेल हुई, उन बच्चों के पैसे वापस कराए गए, लेकिन उस बच्चों के एडमिशन में चूंकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, MCIDC का कोई रोल नहीं था, इसलिए वो बच्चे अपने वापस चले गए, लेकिन हम लोगों ने उनके सारे पैसे वापस दिला दिए, और जो मैनेजमेंट का चीफ था वो जेल भी गया उसमें। एक बात हमने करी है, एक बात चली थी कि MBBS के डॉक्टर की यहाँ बहुत शॉर्टेज है,
तो उसमें डेंटल डॉक्टर को एडजस्ट करने की बात चली थी। तो ये क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, या केवल इस स्टेट में ऐसा किया गया? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये लीगली गलत हो जाएगा। अगर आपको MBBS भर्ती करने हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन सुविधाएं सुधारनी पड़ेंगी। जिस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब पहाड़ पे नया जिला बनता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मकान बनता है, ऑफिस बनता है, सुविधाएं दी जाती है, तब साहब जाते हैं। अब आपने डॉक्टर को तो पोस्ट कर दिया, पेड़ के नीचे खड़ा है। जब उसने फोन किया तो आपने कहा प्रधान से बात कर लो, उसके घर में रह लो। तो इस तरीके से अस्पताल नहीं चलते, ना कोई डॉक्टर जाएगा, उसकी फैमिली कहाँ रहेगी, उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। आप डॉक्टर को पहाड़ पे भेजिए, उसे भत्ता दीजिए, उनकी फैमिली को देहरादून में ट्रांजिट हॉस्टल की तरीके की सुविधा दीजिए, अच्छे स्कूल में गवर्नमेंट एडमिशन कराए, वो डॉक्टर जरूर जाएगा। तो डेंटल को जो डेंटल डॉक्टर है, मतलब ये मान के चला जाए कि अभी उत्तराखंड में कोई उनके लिए कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो नहीं दिख रहा मुझको। जो सारे डॉक्टर नौकरी पा गए हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका काम आराम से चल रहा है, सैलरी बहुत अच्छी हो गई है आज के जमाने में, और अभी 7th में कमीशन आने वाला है, सैलरी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेयरली सैलरी से आपका काम नहीं चलता है, आपको एक अच्छी जिंदगी जीना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपकी फैमिली की लाइफ है, वो आप अगर सुविधाएं नहीं देंगे तो आदमी पहाड़ पर कैसे जाएगा। ये थे डॉक्टर KP शर्मा जी, जिन्होंने ये बताया कि डेंटल डॉक्टर्स का उत्तराखंड में क्या स्कोप है, और हम उम्मीद करते हैं डेंटल से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं या जो अभिभावक हैं या जो डेंटल कॉलेज में फैकल्टी है, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आज डेंटल काउंसिल के मेंबर यहाँ पे उनका संज्ञान लेने के लिए है। इसलिए आप अपनी किसी भी समस्याओं से संबंधित कोई भी जानकारी आप देना चाहें तो डॉक्टर KP शर्मा को आप बता सकते हैं। इन शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, आप देखते रहिए साधना न्यूज। हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। स्कूल ना भेजने के हजार बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका, पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जिसका दखल वनों पर 13 दिसंबर 2005 से पहले का है, ग्राम सभा कर वनाधिकार समिति का गठन कर इसके द्वारा व्यक्तिगत और सामुदायिक दावा के लिए प्रपत्र भरेंगे। 1 जून से 14 जून 2015 तक वनाधिकार कानून पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, अतः ग्राम सभा में उपस्थित होकर अधिकार पत्र लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वन भूमि अधिकार पत्र लेने के आप हैं हकदार, वन उत्पाद एवं वनों पर है आपका मालिकाना हक। जंगल ही हमारी पहचान है, संस्कृति है, आजीविका का साधन है। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो कैसे संभव होगा? ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए अपने बैंक के पास और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसे पता कीजिए। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना 330 रुपये भरे, केवल 330 रुपये। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर, और केंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास, हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास, राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर।
सियासत से लेकर समाज तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम यूपी